बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश कौशिक लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। गांव-गांव में जनसभा के बाद दिनेश कौशिक ने अब डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर दी है। माइक्रो मैनेजमेंट के तहत दिनेश कौशिक हर घर और हर वोटर तक सीधी पहुंच बना रहे हैं। डोर टू डोर प्रचार के जरिए दिनेश कौशिक अग्रवाल कॉलोनी पहुंचे, जहां घर घर में लोगों से मुलाकात कर उन्होंने आशीर्वाद लिया। लोगों से वोट की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने बहादुरगढ़ विधानसभा में अनेकों काम कराए हैं। नया बस अड्डा बनवाया, ड्रेन को पक्का कर सड़क बनवाई गई, 200 बेड का अस्पताल अपग्रेड करवाया गया। दिनेश कौशिक ने कहा कि गुड़गांव की तर्ज पर बहादुरगढ़ का विकास करवाया जाएगा और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिपाही बनकर बहादुरगढ़ की सेवा करते रहेंगे। जी, आज हमारे अग्रवाल कॉलोनी में हम डोर टू डोर कर रहे हैं और जो सभी कार्यकर्ता भाई मेरे साथ लग के सारी कॉलोनी को आज डोर टू डोर करेंगे और हमें बहुत बढ़िया अच्छा समर्थन मिल रहा है अग्रवाल कॉलोनी में। साथ सबका विकास मोदी जी का एक ही नारा है और वो करवा भी रहे हैं, जनता उनके साथ है। और जो बहादुरगढ़ में हमने 5 साल बड़े भाई पूर्व विधायक नरेश जी रहे हैं, उन्होंने बहादुरगढ़ में जो अपना जितने भी ज़्यादा ज़्यादा काम करवाए हैं, अपना बस अड्डा काम करवाया है और अपना ये गंदा नाला था, क्या बोलते इसको, ड्रेन, जुआ बेस्ट जुआ ड्रेन, लगभग 75 करोड़ की एकड़ से वेस्ट जुआ ड्रेन का काम करवाया है और हाई टेंशन तार का जो है 5 करोड़ की लागत से हाई टेंशन तारा करवाया है, 200 बेड का हॉस्टल करवाया है और ऑटो मार्केट करवाई है, बस मतलब बहुत सारे काम करवाए हैं, मतलब हाँ 200 बेड का हॉस्टल करवा दिया और इस पार्क का सारा जो अगर अपना अग्रवाल कॉलोनी का अपना जो महाराजा अग्रसेन जी का पार्क है जो है इसको भी यहाँ पर बिल्कुल सारा ओके करवाया है। तो सारे शहर में जो भी काम थे करवाए हैं, थोड़े बहुत को काम पेंडिंग है उसको हम जो है करवाएंगे और शहर को गुड़गांव की तर्ज पर शहर को विकास करवाएंगे।